एगो ठेठ गांव के लड़का के खत्म करे के साजिश और बटे इस देश के दूदू को राज्य के दूदू को बड़ा नेता लोग कहिया हम कंस के वंशज ना हैं, हम श्री कृष्ण के वंशज क्या कहता है लोग सरकार बदली तबे मनीषवा निकली हम उन लोग से कहता नहीं कि मनीषवा निकली तो सरकार बदली। तमिलनाडु में बिहारी प्रवासियों को लेकर भ्रामक खबर चलाने के आरोप में 9 महीने बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार को बेऊर जेल से रिहा हो गए। उनके स्वागत में जेल गेट पर समर्थकों की भीड़ लगी रही। रिहा होने के बाद अपने प्रशंसकों को संबोधित करते हुए मनीष कश्यप ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार की तुलना कंस के शासन से की। जेल से निकलने के बाद नीतीश और तेजस्वी सरकार पर निशाना साधते हुए मनीष कश्यप ने कहा कि उनके खिलाफ साजिशें की गई थी जिसकी वजह से उन्हें 9 महीने जेल में रहना पड़ा था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जैसे कंस ने साजिश किया तो भगवान कृष्ण को 9 महीने बाद जेल में पैदा होना पड़ा, वैसे ही बिहार में कई कंस हैं जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश की। जेल से निकलते ही गया के गहलोर घाटी पहुंचे मनीष कश्यप ने ऐलान करते हुए कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वहीं दूसरे दिन रविवार को अपने घर पहुंचे यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बड़ा ऐलान किया। मनीष ने ऐलान करते हुए कहा कि अब मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गया है, सरकार जल्द बदल जाएगा। एगो ठेठ गांव के लड़का के खत्म करे के साजिश जोन बटे इस देश के दूदू को राज्य के दूदू को बड़ा नेता लोग कहिला को एगो राज्य के ना दू गो राज्य के बड़ा बड़ा नेता लोग कहिला को और हमरा ऊपर लगा दे रख लोग NSA जौना के हम खुदे नाम ना सुन लेला। बाद में पता चलल कि NSA का मतलब होला नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी मनीष कश्यप देश लाख खतरा बा। का लगावल गई खतरा ना रही, हम खतरा रही भ्रष्ट लोग लाख जे बिहार के दिमक की तरह चाट के बर्बाद कर लोग हम कंस के वंशज ना हैं, हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। हम कंस के रास्ता पे ना चले, हम श्री कृष्ण के रास्ता पे चले। हम रावण के वंशज ना है, हम राम के वंशज है। हम रावण के रास्ता पे ना चले, हम राम के रास्ता पे चले। हम कौरों के वंशज ना है, हम पांडव के वंशज है। हम दुर्योधन के रास्ता पे ना चले, हम युधिष्ठिर के रास्ता पे चले। युधिष्ठिर के भी बनवास काटे के पड़ल, अज्ञातवास काटे के पड़ल। राम के भी बनवास काटे के पड़ल, अज्ञातवास काटे के पड़ल। और श्री कृष्ण के तो जन्म जेल। हमर बतारी 9 महीना तक रोहत रह गई। हमर बतारी हमरा से कहली कि कुछ लोग कहत रहे कि जा लगी ना सरकार बदली तबे मनीषवा निकली, सरकार बदली तबे मनीषवा निकली। क्या कहता है लोग सरकार बदली तबे मनीषवा निकली। हम उन लोग से कहता नहीं कि मनीषवा निकली तो सरकार बदली। हमरा पता नहीं से कहले बैठे लोग क्या के पता करो मेरी नहीं बात कहले बैठे लोग कि ना कि सरकार बदली तबे मनीषवा निकली। उन लोग से वादा करता नहीं मनीषवा निकल गई अब सरकार बदल दी। देख लो ये चीज बात, ये हमरा गांव में आज कम से कम 50,000 लोग बा, ज्यादा ही ज्यादा बा 1,00,000। अगर सैटेलाइट से इमेज खींच सके डर लगी तो खींच लो, लगी आज हमारे गांव में दीपावली मनावल जाता। आपको बता दें कि फर्जी वीडियो प्रकरण में जेल गए यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु सरकार ने NSA लगाए। वहीं 9 महीने के बाद जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप ने तमिलनाडु से लेकर बिहार की सरकार पर खूब प्रहार किए हैं। गया से आशीष गुप्ता, बेतिया से जितेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज, पटना।